वंचित बहुजन आघाड़ी में जो है प्रवेश का सिलसिला बरकरार है सर, फारूक साहब आपके नेतृत्व में आज जो है पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले ताज खान मैडम ने जो प्रवेश किया है, तो क्या कहेंगे सर, इससे क्या मजबूती मिलेगी वंचित को शहर में? अल्हम्दुलिल्लाह सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह, समाज में अलग अलग खिदमत को अंजाम देने वाले अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, जिसमें सहाफ़त ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सहाफ़त में भी MBA HR लेकर जो MBA किए हुए हैं और जो जर्नलिज्म के अंदर एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं, जो शहर के मिजाज को समझते हैं, आवाम के मिजाज को समझते हैं, एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे ताज खान मैडम को पूरा औरंगाबाद शहर जानता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वंचित बहुजन आघाड़ी सभी समाज को लेकर मुत्तहिद करके जो काम कर रही है, इस काम को और अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब जो मकसद लेकर सभी मजलूम तबकों को साथ में लेने का एक बड़ा मकसद लेकर जो काम कर रहे हैं, इस मकसद को समझ कर इसको ताकत देने के लिए आज हमारे बहन ताज खान मैडम वंचित बहुजन आघाड़ी से जुड़े हैं। इससे इंशाल्लाह हमारी ताकत में इजाफा होगा। पार्टी को काम करते वक्त, डेवलपमेंट के इश्यूज़ को उठाते वक्त एक स्टडीड ऐसे विजनरी पर्सनालिटी के तौर पे हम ताज खान मैडम को देखते हैं। इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर के गली मोहल्लों से लेकर, गली से लेकर दिल्ली तक की जो भी आवाम के हक में डेवलपमेंट के इश्यूज़ होंगे, उसमें काम करते वक्त हमको बहुत मदद होगी। और मैं जलीस अहमद साहब को और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि इस तरीके से मुत्तहिद होकर अगर हमारा काम आगे बढ़ेगा, तो आज जैसे ताज खान मैडम हमसे जुड़े हैं, इंशाल्लाह हर तबके हर प्रोफेशन के लोग वंचित से जुड़ेंगे। और जो भी ख्वाब हम तमाम मजलूमों को सत्ता में लाने का देख रहे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर कामयाब होंगे। मैं ताज खान मैडम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और उनको मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं कि अल्लाह ताला आवाम की खिदमत के लिए और हक के लिए आपको एक जरिया बनाए और वंचित बहुजन आघाड़ी और आप मिलकर आवाम के हक में बेहतर काम करें, ताकि दिन और दुनिया में इंशाल्लाह इसका अजर मिले। आप अध्यक्ष बने हैं वंचित के मध्य के, तब से इस मतदार संघ में जो है वंचित मजबूत होती नजर आ रही है। जावेद कुरैशी को भी साथ में लिया है वंचित ने, फिर इसके बाद ताज मैडम भी आई है, दिग्गज नेता है जो है वंचित के मध्य में रहते हैं, माजी नगर से वो जितने भी है, तो क्या अगला भविष्य क्या होगा मध्य का, किस तरह से आप मजबूत कर रहे हैं और अगला प्लानिंग क्या है और अगला एजेंडा क्या है वंचित का यहाँ पर मध्य में? देखिए, आज जो है हमारे बहन ताज खान ने मध्य में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी में जो है प्रवेश लिया है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और लोग हमारे पास जो है, जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो वंचित का जो डेवलपमेंट का जो विजन है हमारा, उसी को देखते हुए जो लोग है वंचित से जुड़ रहे हैं को, तो फ्यूचर में भी हमारा ये रहेगा कि महानगर पालिका और सिविक जो लोगों की रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करना। इससे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है 600 स्क्वायर फीट तक जो है जिस तरह बॉम्बे में हुआ था उसी टेस्ट के लिए हमने धरना दिए, जिसमें हम सक्सेस रहे। उसके बाद उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके लिए हमने जो मूवमेंट चलाया है उसमें बहुत बड़ा सक्सेस मिला हुआ है। आगे भी जो है पानी का मसला, ड्रेनेज का मसला, लाइट का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला जो है, इसी पर जो है वंचित बहुजन आघाड़ी जो है काम करेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज लोग जो परेशान है गुंटेवारी में, तो गुंटेवारी के जो है गुंटेवारी पे काम करेंगे। गुंटेवारी में अमेंडमेंट होना चाहिए, जैसा 2002 तक जो कम फीस में हो जा रहा था तो उसी तरह होना चाहिए। क्योंकि देखो काफ़ी लंबा अर्सा बीच में लॉकडाउन का गुजरा, इसमें लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति जो है माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और औरंगाबाद में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो रोज के खाने कमाने वाले हैं खुद, तो इसीलिए गुंडेवारी का आज जो रेडी रखना के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो लोगों पेड नहीं कर सकते, इसमें लाखों रुपए जो है आपको टाइम उसमें गुंडेवारी के भरना पड़ रहा है। तो हम गुंडेवारी पे जो है स्टडी करके उससे काम करने वाले हैं। और जिस तरह 2002 में गुंडेवारी के जो है मिनिमम 15-20-12 हज़ार रुपये में जो है आपका प्लॉट रेगुलाइज हो जा रहा था, उसी तरह हम जो है कोशिश करेंगे कि वही कीमत में जो है यहाँ पर गुंडेवारी जो है दोबारा वो हो, उसमें अमेंडमेंट के लिए हम मुहिम चलाएंगे। आज आपने वंचित में प्रवेश किया है, तो अगला कदम कैसा रहेगा आपका वंचित में? वंचित नाम से ही जाना जाता है, वंचित घटकों को न्याय देने के लिए, और वंचित जो समाज है हमारा, तो उसको आगे लाने के लिए मुझे एक मौका मिला है यहाँ पर, जो कि मेरी काफ़ी स्टडी है कि वंचित घटक और शहर का डेवलपमेंट का जो इश्यूज है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, इसको हम कैसा स्ट्रांग बना सकते हैं, किस तरह से आगे ले जाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, और मुझे यहाँ पर काम करने का एक मौका मिला है, और मैं इस मौके का बहुत इस्तेमाल करते हुए जनता के हित में काम करूँगी। क्या दिमाग में है आपके शहर के विकास के बारे में, कुछ मिशन है आपका?
मैंने जितना इस शहर को देखा है, जितना इस शहर को जाना है, जितना इस शहर की मैं स्टडी कर रही हूँ, और जितना मैं आवाम के बीच में रहती हूँ, आवाम के मैं मुद्दे और तकलीफ़ों को समझती हूँ, तो हमारा जो बर्निंग इश्यूज़ है हमारे शहर के अंदर, बेसिक चीज़ें तो हमारी कॉरपोरेशन करती है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। जैसे कि रोड, रास्ते, पानी, ये सारी चीज़ें 2 साल से कॉरपोरेटर्स नहीं है, प्रशासक संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये काम हो रहे हैं, लेकिन वोटर्स को गुमराह करके ये काम हम कर रहे हैं बताना, ये एक राजनीति का हिस्सा चल रहा है। लेकिन फिर भी जो होशियार लोग हैं वो तो समझते हैं कि 2 साल से कॉरपोरेटर्स वगैरह नहीं होते भी, प्रशासक अच्छी तरह से शहर में काम कर रहे, रोड के काम हो रहे, रास्तों के काम हो रहे, ड्रेनेज के काम हो रहे। लेकिन मुझे सबसे एक अहम मुद्दा जो पब्लिक से रिलेटेड है वो एक है टैक्स। जिस तरह से मुंबई के अंदर टैक्स माफ़ हुआ है, उस तरह से औरंगाबाद में भी टैक्स माफ़ होना चाहिए। और दूसरा अहम मुद्दा हमारे शहर का, गुंडेवारी का। हमारे नगर विकास मंत्री जो है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 1500 स्क्वायर फुट तक का जो है घर का परमिशन वो नहीं लगेगा। तो हमारे शहर को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शहर में वंचित लोग हैं, वंचित घटक के इतने लोग हैं, हाथ में काम करने वाले मजदूर हैं, और मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, सभी की इनकम इतनी नहीं कि वो एक 600 स्क्वायर फुट घर के लिए 60-70-80 हज़ार रुपये भरे, या फिर एक 1500 या 1200 स्क्वायर फुट के घर के लिए 1 लाख रुपये तक भर पाए। तो ये हमारे शहर के और हमारे लोगों के हालात नहीं है हमारे शहर के। तो एक राजनीति के अंदर सबसे बड़ा ये पहलू रहेगा जी 1500 स्क्वायर फुट तक के घरों का, मैं कह रही हूँ 1500 स्क्वायर फुट तक का, 600 नहीं, कि गुंडेवारी का परमिशन ये माफ़ किया जाए, सरसकट माफ़, कोई शुल्क ना लगाया जाए, तब जाके हमारे शहर का विकास होगा। तो इस ऐसे मुद्दों के ऊपर, जनता के जो हित के मुद्दे हैं उसके ऊपर मैं काम करना पसंद करूँगी, और ये कोशिश रहेगी जो प्लेटफॉर्म मिला है हम और अहमद साहब, फारूक अहमद साहब, हम सब लोग, वंचित के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हम सब लोग इस जल्द से जल्द